कटवाने गए थे और वो सुधारना जरूरी था। दो चीज हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बनाना। देख सकते अभी क्या का ये देखिए जो सिस्टर भेजी थी जितना कितना स्टाइल सीखी है। देख सकते अभी यहाँ खरीदे। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल में, और मैं सुनील कुमार चौहान और नगांती जी स्वागत करते हैं अपने चैनल में। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। रिक्वेस्ट और है हमारे चैनल से, जो भी नए सब्सक्राइबर में जुड़ते हैं यूट्यूब फैमिली के रूप में, प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल घंटी भी प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो डाले, ब्लॉग डाले, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फुल वॉच करके वीडियो एंड तक देखिए। देख सकते हैं अभी सुबह सुबह का कितना सुंदर मौसम हुआ है, और चारों बगल खेत अभी बोआ गया, और इधर आठ जाम हो रहा है। अभी किसी किसी का नहीं बोया है, पटौनी हो रही है। देख सकते हैं अभी सुबह सुबह जा रहा हूँ मार्केट, थोड़ा नगांती जी का सर दर्द कर रहा है कल से। हिमगंगा तेल लगा रही थी लेकिन सही नहीं हो रहा है हिमगंगा तेल से, तो मैं सोचा एक टैबलेट लिया के दे दूँ, सही हो जाएंगे। इसलिए अभी पहुँच गया मार्केट में, चल रहे अभी देखता हूँ दवाखाना खुला है कि नहीं। देख सकते अभी लग रहा है दुकान नहीं खुला है, थोड़ी देर वेट कर लूँगा और उसके बाद खरीद। ये है दुकान दुकाना के, नहा धोवा रहा है, सुबह सुबह के ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, आठ करीब हो रहा है। फाइनली दवा ववा ले लिया हूँ, अभी चल रहा हूँ थोड़ा बड़ी भाभी के घर, कुछ काम था। चलिए अभी चल रहा हूँ बड़ी भाभी के घर, मांगी थी नगांती जी, देखता हूँ मिलता है कि नहीं, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। आज स्कूल का छुट्टी है ना, तो देख सकते हैं अभी सुबह से बच्चे खेल रहे हैं, हम लोग भी आएंगे 3 बजे करीब खेलने क्रिकेट, कभी कभी आते हैं खेलने हम लोग। देख सकते हैं अभी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं बड़ी भाभी का है जी। आई कब ले पिटबू जान ले, शाम तक ठीक देंगे जी। तो अभी देख सकते हैं अभी दवा लेके आया हूँ नगांती जी के लिए, अभी नहा धोवा के फरहर हो गई है, इधर सब्जी बना रही है, तोड़ी की सब्जी और चावल बन गए जी। और बड़ी भाभी के पास जो भेजी थी ना वो काम नहीं होता है, वो भी करे बड़े भैया आएंगे तो होगा। तो चलिए अभी सब्जी और चावल बन जाता है। आ इधर दोस्तों देख सकते क्या कर रही है, कोई बकरी नहीं है, गेहूं धूल के पसार दिए हैं, ये लास्ट गेहूं शायद बचा है, लास्ट ही है जी, तो और है थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ तक अभी गेहूं चला है और कुछ खरीद भी लिए थे, तो हाँ अगर बढ़िया से भगवान जी की कृपा से हो गया हाँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तोड़ी इतना फिर निकल गया, कल भी तोड़े थे तुम, बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी सब्जी वब्जी बन जाता है, उसके बाद नगांती जी क्या हुआ जी, आग चूल्हा में झोंकने में यही दिक्कत होता है ना, क्या चीज क्या डाली है जी? आलू टमाटर, अपने चूल्हे में टमाटर का चटनी बनाएगी, थोड़ा एक तोड़ी भी डाल दी थी, दोनों मिक्स करके बना थी, बहुत अच्छा लगा। आलू भी डाली उसमें, चावल में डाल दी तो उबला जाएगा उसमें, तो धुल के डाली है ना। पढ़ाई कर रही का जी, क्या है सरस्वती ज्ञान मंदिर, नाम भी कितना सुंदर है स्कूल का। देख सकते इधर ये क्या है जी, ये किधर से निकाली, ये माटी और धान इधर कहाँ हो रही है, बाप रे कब तक बीनेगी जी इतना माटी, माटी बीने थोड़ी बा, हाँ धूल दीजिएगा तो हो जाएगा, धूल का सब इनको निकल लीजिए जितना धान इतना निकल लीजिए। बाप रे कितना स्टाइल सीखी है, ये कैसे सीखी है जी, बचपन में मम्मी कर रही होंगे इसलिए सीख गए होंगे, देख ना धान जो माटी का धान आंगन में जगह धो जाएंगे, ये देखिए तो इसमें आकर रह जाएगा, तो चावल फटाएगा तो आकर एक भी आकर नहीं आएगा। हाँ ये देखिए स्टाइल है, अब विकास सबसे ज्यादा मम्मी का हाथ बटाता है, आकाश तो बिल्कुल काम ही नहीं करता है, नहीं करता है, खाना भी बनाऊंगी ना, अभी देख अभी है, दूसरा लो दूसरा लो, खाना ही बनाऊंगी तो वहाँ पर मेरे विकास बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो भी कुछ मांगती हूँ। हाँ तो ये दोनों तो नहीं, आपका बेटी बराबर हेल्प करता है ना विकास, ये मतलब माँ माँ हम लड़की होकर कुछ काम करें।
तो चलिए अभी नगांती जी कह रही हैं कि वो आलू खरीद के लाइए और इतना दूर लगा लेते हैं, आधा किलो में हो जाएगा जी? 2 किलो? तो वो बोले वाला आलू सस्ता मिलेगा ना, कहाँ मिलेगा? दुकान में, बोले का। वही वाला? अब देखते हैं कि रोकते हैं तो होता है कि नहीं। इस बार भी रोपेंगे तो होगा, ऐसी बात नहीं है। अभी लेट ही कहाँ हुआ है? इधर देख सकते हैं एक सुबह से पंपी सेट चल रहा है, पता ना कहाँ कहाँ पटौनी हो रहा है। बहुत खेत बाकी है ना नगन जी? धूप आज बहुत तेज उगा है। और सुबह से 3 बार दोस्तों इसको उठाए हैं और 3 बार पसारे हैं, क्योंकि ना ये रास्ते पे पसारे हैं धूप में, तो ट्रैक्टर आ रहा है जा रहा है, तो इसीलिए हटा हटा के। देखिए अभी कब तक सूखता है, देख सकते हैं। अभी धान फटक ली और उधर पसार दी है, वो क्या करेंगे जी, कुटवाएंगे क्या? उतना कोई कूटेगा? उसमें भी थोड़ा बहुत मिट्टी दिख रहा है, तो पता चला चावल में आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। माटी का चावल ना दे जी, धुलने पे तो खत्म हो जाएगा ना। तो चलिए अभी गेहूँ फटक लेती हूँ, उसके बाद ले जाऊँगा पिसवाने, फिर उधर से ही लेके आऊँगा आलू, फिर आलू का खेती करेंगे। थोड़ा उसको रोक के देखते हैं कितना आलू निकलता है ना, ठीक है? और उससे और भी रोपा जाता है लहसुन वहसुन, वो भी रोप लीजिएगा। उसका ना वो जो ऊपर उसका फरता है ना हरा हरा, उसका चटनी बहुत टेस्टी बनता है। चलिए तो देख सकते हैं अभी नहा वहा लिए मैं और आकाश, पूजा भी कर लिए। अभी जा रहा हूँ मार्केट में, नगांती जी गई हैं कुछ सामान खरीदने, मैं नहा रहा था इसीलिए नहीं गया, जा रहा हूँ साइकिल से लेके आऊँगा। अभी जब भी साथ में गया है उनके, देख सकते हो अभी यहाँ खरीद लें सर, क्या हुआ आधार कार्ड? बोले ये सर ले गया ना, मोबाइल ले गया ना भैया, नहीं मेरे चेहरा कैसे लग रहा है जी? वाइट वाइट ओटीपी आएगा तब लेके जाने कॉल टाइम से। मार्केट से अभी आए हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं खरीदे, केवल आधार कार्ड का ना सुधरवाने गए थे, और वो सुधारना जरूरी था। 2 चीज़ हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बनाना आधार कार्ड से, राशन कार्ड और वो जो वोटर आईडी, और उससे हमें क्या होगा कि राशन भी मिलना शुरू हो जाएगा, कॉलोनी कॉलोनी धीरे धीरे पास हो जाएगा ना, तो कुछ मिला का हमारा नेव उठ जाएगा ना, तो हम लोग को समझिए कि घर बन गया। अब बहुत कोशिश में है, नेव उठ गया था उस पर टिन डाल के सोने, हाँ नेव उठ जाएगा तो फिर तो कभी बना लेंगे धीरे धीरे, और नेव उठाने में बहुत खर्चा लगता है। देखते हैं नगांती जी जब कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कॉलोनी सबका पास हो रहा है, उधर जितने घर बन रहे हैं ना उन लोग का कॉलोनी पास हुआ है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं देखते क्या कर पाते हैं। तो देख सकते हैं अभी मानसी के घर आए हैं, मानसी क्या करो, चलो बड़े पापा घर चलो चलो तुम्हारे, आप बड़ी मम्मी से कंप्लेन कर रही है, मम्मी ने डांटा है आपको, अच्छे के लिए डांटी होगी डॉक्टर, भैया को बुला ले रहे खेलने, ठीक है चलो भैया के साथ खेलना, फिर तुमको रात को पहुंचा दूंगा खाना बन खा के, चलोगी? चलो नहीं बोरिंग नहीं हो महसूस हो रहा, चलो। अभी आ गए दोस्तों फाइनली मार्केट से, अब बच्चे बैठ के पढ़ रहे, ये देखिए जो सिस्टर भेजी थी चोट कितना बड़ा, सो बैठ के पढ़े। और नगांती जी आ रही है मानसी को लेके, मानसी रोने लगी मैं भी चलूँगी भैया को देखने, तो भैया के पास आ रही है बैठ के पढ़ेंगी। और इधर देख सकते हिंदी का किताब, हिंदी का है, इधर आकाश अपना काम बना रहा है, विजय भी अपना काम बना रहा है। आज संडे था ना, विकास सुबह ही बना लिया था, ये लोग खेल रहे थे अपना नहीं काम बना पाए तो शाम को बना रहे, जैसा था कितना अच्छे लग रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ते हुए। अपना अपना पढ़ो आकाश, अपना हिंदी किताब निकाल लो, ऐसे हमारे बच्चे पे भगवान जी का कृपा आप लोग का आशीर्वाद बने रहे, आगे बढ़ते रहे पढ़ लिख के, एकदम होशियार बने। बाप रे कौन कौन आया है हमारे का, मम्मी के साथ आ गई बड़ी मम्मी के साथ, हाँ। कहाँ जा रही हो? घर देखने जा रही। अब बताइए इस टाइम सब खाना बनेगा? बना चलिए ऐसा हंसते रहिए थोड़ा बहुत, मतलब जानते हैं शादी घर का तो मेहमान वेहमान आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो गए।
हमारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे का कर रही थी, क्या क्या हुआ बताइए। आप लोग तो जान जाएंगे, अच्छा भी लगेगा, लेकिन और भी आदमी जानेंगे उस तो। हाँ, सेम सेम है भैया के घर, तुम्हारा घर, छोटा भैया के, बड़ा भैया के, सबको सेम सेम है। हाँ, है ना? हाँ। पता नहीं क्या बोल रहे घर में नहीं मिला है छोटा छोटा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बोलिए। मान से कितना पैसा रखी हो अपने घर में? चार पैसा रख दिए। अच्छा, खुद घर यहीं पर रहो। पापा बोले थे आऊंगा तो आप आना। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे कौन है बाहर? बाप रे बाप, अंधेरे में नहीं दिखेगा, आ जाओ। देख सकते हैं अभी क्या का लाई है। खा लो भैया, खा रहे, तुम नहीं खाओगी? बाप रे, नहीं खा लो, ऐसे अच्छा लगता है। एक बार खा के तो देखो, खा लो खा लो, एक बार खा के टेस्ट करके बताओ कैसा लगेगा, तब मत खाना। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा तो फेंक देना, खा लो, बहुत टेस्टी लगेगा। मेरा मानसी का दांत अभी कमजोर है, बरियार चीज नहीं खाती है। जो मिठाई लेकर आई थी अच्छा लगा था ना? वो वाला घर पर खाई थी, बाकी कहीं से? हां, खाली मानसी वो खाती है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, चॉकलेट। क्या नाम है मानसी वो जो चॉकलेट है? डेरी मिल्क। डेरी मिल्क, हां डेरी मिल्क खाती है। अरे वो वाली बात नहीं होता है, वो मीठा होता है। देख सकते अभी बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो, अब मैं चलो अभी टेस्टी टेस्टी कोई खाना बनाने। चलिए अभी सब्जी काट लेता हूँ। क्या कह रही हो? तो मैं खेल रही हूँ। पढ़ो भी एक साथ बैठ के। अच्छा खेलो अभी, तुम छोटी सी बच्ची हो मेरी मानसी अभी। मेरी मानसी अभी छोटी है क्या? अच्छा, देख सकते हैं अभी सब्जी ले लिया हूँ, पानी में डाल दिया हूँ, धुल धुल के काटूंगा। इधर चावल बैठा रही है ना गांधी जी, क्योंकि अभी आटा नहीं है ना, गेहूँ दिए हैं पिसवाने के लिए, तो कल मिलेगा, शाम हो गया था। चलिए तेल लगा, नहीं धोती और सर्दी से जाम। हिमगंगे तेल लगा लीजिए, और दर्द का अभी टेबलेट असर नहीं किया, सही नहीं हुआ? तो जी, और दर्द का ऐसी रखे रखा ना, मेरे शरीर में कभी दर्द होगा मैं ही खा जाता हूँ। और वो कैसे निकल गया? कील निकल गया, सही से बन गया। क्या करे दोस्तों, अब हम लोग का भी अभी तो यही है, वो मिट्टी से लेवरे है ना, तो कभी भी गिर जाता है। चलिए आइए देखिए क्या व्यवस्था बनाए हैं। बोर्ड जल गया था तो इसमें कील में मार के खंठी बना के किया, कैसे कैसे भी गुजारा कर रहे हैं। और सही है, ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। बाप रे, शीशा में कैसे दिख रहे हैं जी? थोड़ा और उधर जाइए, उधर ये देखिए, दो दो नगांती जी। इधर देख सकते हैं, बिस्तर लगाएंगे। चलिए अभी सब्जी काट लेता हूँ। तो देख सकते हैं बीजों पर सब्जी कटना शुरू कर दिए, कितना सुंदर नया वाला आलू धुल जाता है। हाँ, छूट जाता है इसको चुनिया जैसे। ये देखिए, अरे मैं चावल बैठा दी। और तो बच्चे देखिए पढ़ रहे हैं, सियाल बोल रहे हैं, तो मानसी दिखा रहे, जल्दी आओ दिखाते हैं क्या बोल रहे हैं। डरना मत, यहीं पर डर गई। नहीं डरो भैया, वहाँ पर कैमरा डाल दी, बोल रही कैमरा कहाँ भूल रहे मैं डाल गई और दिखाती। बापू बस का दिखाती, ऐसे लो सब आराम से रख दो अपन सब। पढ़ मैं अभी पढ़ गई, एक पढ़ना है, पढ़ देखो कहाँ देखो कुछ
कुछ नहीं है, उधर जो मशीन चल रहा ना वही है, यहाँ पर साइकिल रखी, देखो कुछ नहीं होता है, भूसा कुछ नहीं होता है, वो सब भराम होता है। डिस्काउंट खेल रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं नहीं भैया कैसे नहीं खेला, नीमन से खेला बेटा, देख सकते हैं अभी प्याज और थोड़ी सी सोयाबीन था, सूखा मिर्च और थोड़ा सा लहसुन भूज रहा हूँ, आइया सब्जी काट कर रखा हूँ, चलिए इसको भूज लेता हूँ, उसके बाद मसाला डालेंगे। तो फाइनली दोस्तों सब्जी बन के रेडी हो गया, देख सकते कितना कलरफुल हुआ है, इधर चावल भी बन गया है, चलिए अभी टाइम से खाना बन गया। आ इधर क्या कर रही है गांधी जी, ये देखिए आकाश पढ़ रहा है, आई लोग पढ़ के उठ गया, मानसी क्या कर रहे हो तुम, अच्छा खेल रही हो, चलो खेलो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, कैसा लगा हम लोग को ब्लॉग जरूर कमेंट द्वारा बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता ही है, टुक टुक 1632 से आप लोग हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमने मिलने से फिर से एक नया वीडियो में।